हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी जैसी बहुत ही खस्ता अनगिनत लेयर्स वाली खारी, तो बहुत ही बढ़िया ये घर पर बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं, चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और इसे ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करें। और अगर आपको हमारे वीडियो देख के ज़रा भी खुशी मिलती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हमने ये हाफ कप वनस्पति घी लिया है, इसको हम हल्का गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए। अब ये हमने एक बर्तन में आइस क्यूब लिए हैं, इसके ऊपर जो हमने घी को पिघलाया है उसको रखेंगे। तो इसको हम बर्फ पे रख के घी को थोड़ी देर इस तरीके से चलाएंगे जैसे कि जो घी है हमारा वो जम जाए थोड़ा, यानी कि ये फिर से घी के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए ये फिर से घी के फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हम एक चम्मच मैदा ऐड करेंगे और इसको फेंटेंगे फिर से। इसको हमने करीबन 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है, अब देख सकते हैं इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अभी हमने 1.5 कप मैदा लिया है और ये मैदे को हमने छान लिया है। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब इसको हम साफ हाथों से मिक्स करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मोइन इतना होना चाहिए कि इस तरीके से मुट्ठी में हो जाए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ये हमने ठंडा पानी लिया है फ्रिज का, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है लेकिन फ्रिज का पानी लिया है ठंडा। तो इसका डो तैयार करेंगे, डो हमें ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, मीडियम डो तैयार करेंगे हम इसका। तो देखिए डो हमने तैयार कर लिया है और इसमें गूंदी लगा ली है हमने, तो देख सकते हैं इतना सॉफ्ट हमने इसे रखा है ना, इसे बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। और इस डो में हमने अजवाइन का यूज़ किया है, आप चाहे तो अजवाइन की जगह पे जीरा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसे हम ढक कर 15 मिनट रेस्ट रख देंगे। ये हमने एक उबला हुआ आलू लिया है, आलू को हमने ठंडा कर लिया है, तो इसको हमें छील लेना है। तो उबाल कर हमें ठंडा करके ही आलू को लेना है, गरम गरम आलू नहीं लेना है। तो ये आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे, बारीक वाले जो कद्दूकस होता है ना उससे हमें करना है, जिससे कि एकदम फाइन ये मैश हो। तो ये पूरे आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, अच्छे से ये मैश हो गया है आलू हमारा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम एक बारीक कटके हुए हरी मिर्च, एक बारीक कटके हुए प्याज, थोड़ी सी बारीक कटके हुए शिमला मिर्च, थोड़ी सी फाइन चॉप की हुई धनिया, एक चुटकी हींग, चटपटे टेस्ट के लिए डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच चाट मसाला, 2 से 3 चुटकी गरम मसाला पाउडर डालेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अगर चाट मसाला नहीं है तो आमचूर पाउडर ले सकते हो, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 3 से 4 चुटकी डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले, जितना भी तीखा पसंद करते हो। स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें हम नमक। तो इसको अभी हम एक साइड रख देंगे, तब तक आगे तैयारी कर लेंगे। अभी हमने 3 ब्रेड के स्लाइसेस ली है, तो ये ब्रेड को ना हम एक मिक्सर जार में तोड़ के डाल देंगे। तो इसमें आप ताज़ी बासी कोई भी ब्रेड ले सकते हो, अगर ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए हैं ना तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हमें ग्राइंड कर लेना है, तो ये ब्रेड को हमने ग्राइंड कर लिया है देखिए। तो ये जो हमारा आलू का मिक्सचर है इसमें हम 2 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे, चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह पर आप सूजी को ग्राइंड करके ले सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने ब्रेड ग्राइंड किए है ना उसको हम इसमें डाल देंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, साफ हाथों से इसे मिक्स करेंगे। तो ब्रेड है ना इसमें बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग का काम करेगी और चावल का आटा ऐड करने से जो नाश्ता है ना हमारा वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। तो बेहद आसान नाश्ते की रेसिपी है फ्रेंड्स, और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही कम तेल में इसको हम बनाएंगे। तो आप इसको ना ट्राई जरूर करिएगा, रेसिपी जरा सी पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पर क्लिक ज़रूर करें। तो बाकी जो पिसी हुई ब्रेड है ना उसको भी हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये नाश्ता ना बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू पहले से पड़ा हुआ है ना तो बहुत ही जल्दी यार नाश्ता आपका बनने वाला है। आप चाहे तो अगर बच्चों को टिफिन में आपको देना है ना तो रात को आलू उबाल के रख लीजिए और सुबह झटपट इसे रेडी कर सकते हो। तो देखिए इसको हमने डो की तरह तैयार कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे जिससे कि बिल्कुल भी स्टिकी ना रहे। अभी हमने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, इसमें हम हल्का सा तेल लगा लेंगे
अब ये जो डो है ना हमारा, उसको हम लेंगे इस तरीके से, बड़ा सा गोला सा बनाएंगे, इसके ऊपर रखना है हमें, और हथेली की हेल्प से इस तरीके से इसको हम प्रेस करते जाएंगे। तो सभी साइड से इस तरीके से करना है ताकि सभी साइड से एक बराबर रहे, कहीं से कहीं मोटा कहीं पतला ना रह जाए। तो किनारों से भी ना इस तरीके से इसको करते जाएंगे। ठीक, आप है ना इसको फैलाने के लिए चाहे तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, तो बिल्कुल आसान है, कोई मेहनत नहीं लगती है इसको करने में। तो बस इसको अच्छे से हमने फैला दिया है चकोर शेप में। अब इसको हम कट करेंगे, तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो बस इसको हम इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में ही रहने देंगे। आप चाहे ना तो छोटे छोटे पीसेस में, या फिर अपने मनपसंद से किसी और शेप में इसको बनाना चाहते हैं ना, तो वो भी आप कर सकते हो। तो बस इसे हमें इस तरीके से अलग कर देना है। देखिए कितना आसान है, कहीं से चिपका भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बन गए। अब हम एक पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे। जैसे कि हमने कहा ना कि बहुत ही कम तेल में ये रेसिपी बनने वाली है, तो तेल को हमने थोड़ा गर्म कर लिया है। एक एक करके पीसेस को डालेंगे, तो एक बार में जितने पीसेस आएंगे ना उतने हम सारे डाल देंगे। तो जितना चौड़ा आपका बर्तन होगा ना, उतने ज़्यादा पीसेस एक बार में आपके आ जाएंगे। तो ये हमने सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 चम्मच तेल लिया है। आप चाहे ना तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, और चाहे तो इससे भी कम तेल में इसको सेक सकते हो। तो थोड़ी देर हमने एक साइड से इसको सेक लिया है, अब इसे हम पलटेंगे। सावधानी से ही पलटना है। देखिए बहुत ही अच्छा सा हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। तो बस इस तरीके से ध्यान से ही पलटना है, और इसको ना हम अलटते पलटते ही सेक लेंगे दोनों साइड से। तो इसको हमने दोनों साइड से सेक लिया है अलटते पलटते, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है सिकने में इसको। तो बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, और एकदम अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस इसे हम पैन से बाहर निकाल देंगे। तो लीजिए, हमारा ब्रेड का बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो देखा आपने कितने बढ़िया से बना है, और बहुत ही क्विकली बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब ये डो को हम थोड़ा सही कर लेंगे हाथों से। तो हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे, जो डो है हमारा उसको हम लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे इसमें, और बहुत ज़्यादा हमें नहीं मसलना है। जैसे कि हम ब्रेड बनाते हैं तब मसलते हैं, उतना नहीं मसलेंगे, सिर्फ 1 मिनट ही हमें इसे मसलना है ताकि ये प्लेन हो जाए। तो ये डो को हमने 1 मिनट मसल लिया है, तो अब इसका हम गोला बना लेंगे। अब इसको बेलेंगे हम। तो देखिए इसको हमने बेल लिया है, बड़ा रोटी की तरह हमने इसको बेल लिया है, लेकिन इसको इतना रोटी से थोड़ा मोटा हमने इसको रखा है। अब ये जो हमारा पेस्ट है घी का और मैदे का, इसको हम इसमें अच्छे से लगाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से फैला लिया है। अच्छे से फैलाना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप घी को फैलाएं इसमें। इससे क्या होगा कि जब इसको हम रोल करेंगे तो जो घी है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको फैलाना हमें पतला ही है, लेकिन अच्छे से हाथों से फैलाना है ताकि सभी जगह पर अच्छे से ये स्प्रेड हो। तो हल्का सा सूखा मैदा हम इसके ऊपर डालेंगे, और इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर से जो हमारा पेस्ट है उसको हम लगाएंगे, सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे फिर से इसके ऊपर, और इसको फिर से फोल्ड करेंगे, फिर से पेस्ट लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, और इसको बेलेंगे फिर से। तो देखिए इसको हमने फिर से बेल लिया है, और इसको पतला ही बेलना है, मोटा नहीं बेलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जो हमारा पेस्ट है उसको हम फिर से इसके ऊपर फैलाएंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे, लेकिन मोटा स्प्रेड नहीं करना है, जैसे कि बोला कि हमें इसको पतला पतला ही स्प्रेड करना है अच्छे से सभी जगह पर। अब इसके ऊपर हम सूखा मैदा डस्ट करेंगे, सेम उसी तरीके से फिर से हमें इसे फोल्ड करना है, पेस्ट लगा लेंगे, सूखा मैदा डस्ट करेंगे फिर से इसके ऊपर,
फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो फिर से इसको इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस प्रोसीजर को हम 2 से 3 बार और करेंगे। तो वीडियो में हम आपको इतनी बार शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसको हम कर लेंगे 2 से 3 बार। जितना ज़्यादा इस प्रोसीजर को आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो खारी है उसके जो लेयर्स आपके वो बनेगी बहुत ही बढ़िया। तो जितना ज़्यादा इस प्रोसीजर को कर सकते हैं उतनी बार करें। सेम उसी तरीके से बेलना है, फोल्ड करना है, पेस्ट अच्छे से लगाना है, मैदा डस्ट करना है, सेम उसी तरीके से प्रोसीजर हमें करते रहना है बार बार। तो ये हमने प्रोसीजर को 4 से 5 बार कर लिया है। अब इसमें हम हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसे हमें बेलना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको हमेशा हल्के हाथों से ही बेलें। तो देखिए इसको हमने बेल लिया है और इसको थोड़ा मोटा ही अब हमें बेलना है। इतना मोटा हमने इसको बेला है। तो इसके कॉर्नर को हम कट कर लेंगे। और देखिए ये कॉर्नर आपके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। इसके भी हम आगे बताएंगे आपको कि ये भी बिल्कुल वेस्ट नहीं है। तब इसको हम कटर की हेल्प से कट करेंगे। तो देखिए खारी इस शेप में भी मिलती है और ट्रायंगल शेप में भी मिलती है। तो आप ट्रायंगल शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो अब ये हमने कढ़ाई में ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। गैस के फ्लेम को लो मीडियम पे करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर ये खारे को हमें फ्राई करना है। तो देखिए वैसे तो जो खारी होती है वो बेक की जाती है, लेकिन आज हम आपको उससे ज़्यादा इजी तरीका बता रहे हैं कि आप इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, बस आपको बेक कर लेना है इसको। तो इसको हम तेज आँच पर नहीं पकाएंगे, इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही तसल्ली से फ्राई करना है अच्छे से। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये खारे की रेसिपी है, बिल्कुल बेकरी जैसे घर पर बनकर रेडी हो जाती है। तो ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो ये खारे को हम इस तरीके से पलटते हुए ही फ्राई करेंगे, हल्का हल्का दबाएंगे भी इसको। तो देखिए ये हमारी खारी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है, कितनी बढ़िया इसकी परत खिल गई है। तो देखिए बिना बेक किए कितनी बढ़िया ये हमारी परतों वाली खारी रेडी हुई है। फ्राई करने पे ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। तो इसी तरीके से जो बाकी हमारी खारी है उनको भी हम फ्राई करेंगे। अब ये जो हमारे साइड के कॉर्नर्स थे उसको फ्राई करके दिखाते हैं कि आप इनको भी इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं कट करके, और ये एक निमकी की तरह हो जाएंगे। इसे भी हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो देखिए ये भी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, तो इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो ये भी हमारे एकदम नमकीन की तरह रेडी हो गए, निमकी जैसे हम बनाते हैं वैसे। तो ये कॉर्नर्स भी आपके बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएंगे कट किए हुए, और इसे भी आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो बस ध्यान ये रखना है कि हमें इसे तसल्ली से लो मीडियम फ्लेम पर ही खारे को फ्राई करना है। तो लीजिए हमारे बेकरी जैसी अनगिनत लेयर्स वाली बहुत ही खस्ता खारी रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही एक बार बनने के बाद इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम ही लगता है, लेकिन इसको तसल्ली से लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना होता है ताकि ये अच्छे से खस्ता बने। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा लेयर इसकी खिली है, इतनी ज़्यादा खस्ता बनी है कि इसके लेयर्स भी अलग होने लग गई है। तो बहुत ही बढ़िया बन जाती है, आप इसे इंस्टेंट फ्राई करके बना सकते हैं। अगर आपको बेक करने वाली इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको इसकी बेक वाली भी रेसिपी बताएंगे कि इसे बेक भी कैसे कर सकते हैं। और बेक करके भी बहुत ही बढ़िया ये लेयर्स वाली खस्ता खारी बनकर रेडी होती है। तो आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यारे से कमेंट में भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।